LC circuit is in the state of resonance. If C is equal to 0.1 microfarad and L is equal to 0.1, an LC circuit is in the form of resonance. Resonance ka matlab ye ho raha hai ki Z is equal to ho raha hai under root of XL minus XC ka square, yani ke XL is equal to XC ho rakha hai, yani ke omega L yahan pe 1 by omega C ke barabar ho rakha hai, agar resonance wali condition hai to, theek hai, to yahan pe omega ki value kitni chal rahi hogi, 1 by LC, theek, to frequency of oscillation, to omega kitna aayega, 1 by L kitna hai, 0.25, C kitna hai, 0.1 into 10 to the power minus 6, ठीक है, तो इसको और इसको हटाएंगे तो ऊपर 1000 हो जाएगा, into 10 to the power minus plus का 6 हो जाएगा, और नीचे 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना ओमेगा का स्क्वायर, 0.25 हेनरी और 0.1 माइक्रोफैरेड, इतना आ गया, ओमेगा का स्क्वायर आ गया इतना, तो ये कितना बनता है, 25 से अगर हम इसको कट करें, तो दिस इज 40, तो दिस इज 4 इनटू 10 टू द पावर 7 का अंडर रूट, ये इसका अंडर रूट चल रहा है, क्योंकि ओमेगा ये है, तो ओमेगा का स्क्वायर ये होगा, ओमेगा ये आ गया 4 इनटू 10 टू द पावर 7, या सीधे सीधे 40 करिए इसको, 40 इनटू 10 टू द पावर 6, अब ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, यानी के अंडर रूट ऑफ 40 इनटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये तो 1000 हो गया, 10 टू द पावर 6 को बाहर लाएंगे तो 10 टू द पावर 3 बाहर आएगा, 1000 अंडर रूट में 40 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई को अगर अंडर रूट में लेंगे तो इससे ही आ गया 10 अपॉन पाई स्क्वायर, तो approximately 1000, यानी के A option यहाँ पे correct हो जाता है, ये वाला A option correct हो जाता है, ठीक है, ओके okay. ये बोल रहा है देयर इज अ 5 ओम रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू 5 ओम इन एन एसी सर्किट, इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी, इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी कनेक्टेड इन सीरीज, इफ द इक्वेशन ऑफ एसी ईएमएफ यानी के V इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी, 5 साइन 50 टी, then the phase difference between current and EMF is, current or EMF में phase difference बताना है, देखिए LR circuit है, ठीक है, तो L तो omega L तो नीचे की तरफ plot करना होता है और R को इस तरफ plot करना होता है, तो ये यहां कहीं जाके अपना phi आएगा, ये वाला होगा phi, तो tan phi की value हो जाएगी हमारी omega L upon R, ठीक है, अब ओमेगा कितना है 2 पाई इनटू ये दिस इज ओमेगा, ओमेगा 50 इनटू L, L कितना है 0.1, दिस इज ओमेगा L डिवाइडेड बाय R कितना है 5, तो दिस इज 1 यानी कि 45 पाई बाय 4 का फेज डिफरेंस होगा, tan phi की वैल्यू 1 आ गई तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ये बोल रहा है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस R आर जॉइन इन सीरीज एंड कनेक्टेड बाय अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, ठीक है, पावर डिसिपेटेड इज VRMS इनटू IRMS इनटू cos phi, दिस इज पावर डिसिपेटेड, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L रेजिस्टेंस R, तो Z की वैल्यू यहां पे हो जाएगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर और का अंडर रूट, ये Z हो जाएगा, ठीक है,
join in, say, connected by a source of frequency omega. Source of frequency omega, power dissipated in the circuit is, ये होगा VRMS यानी के V naught by Z and this is I naught by Z or divided by root 2 divided by root 2 V naught by Z VRMS I R बस ये हो गया IRM Z एक बार ही आएगा यहाँ पे divided V naught by root 2 I naught by root 2 ठीक है और I naught हो जाएगा अपना V naught by root 2 into Z और साथ में R by Z तो नीचे Z का square तो V naught का square by 2 into Z square और साथ में R ठीक और यहाँ पे इसने वोल्टेज को शायद V लिख दिया है पूरी इस V naught by root 2 को V लिख दिया तो this is V into V तो V का square R by Z का square this is power dissipated तो V का square R by Z कितना हो जाएगा R square plus omega L का square और इसका under root ये अपना power dissipated हो जाएगी power dissipated का formula ये होता है तो यहाँ पे इसने VRMS को V लिख दिया है तो V और ये VRMS by Z होगा तो V into V by Z यानी के V into V by Z into R by Z एक्चुअल में ये चीज हो गई बहुत सिंपल फॉर्म में अगर देखे तो ये आंसर आ जाता है तो B ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन बाकी तो शायद डाइमेंशनली भी करेक्ट नहीं लगेंगे आपको ठीक है डाइमेंशनली भी करेक्ट नहीं है पावर डिसिपेटेड की डाइमेंशन उसी में मैच कर रही है बस ये देखिए नेक्स्ट वाला इन गिवन LCR सर्किट दिस इज द गिवन LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट विल बी वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है ये बताना है एंड करंट पहले तो करंट देखते हैं कितनी है करंट होगी V R M S by Z ये होगी ठीक है V की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 100 वोल्ट तो 100 अपॉन Z अब Z कितना होगा R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर और इसका अंडर रूट अब ओमेगा L अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा ओमेगा एल व्हाट इज ओमेगा ओमेगा इज 100 पाई इनटू एल कितना है व्हाट इज एल या ये एलसीआर में एलसी और इसकी वैल्यू तो दे नहीं रखी इसने एल और वीएल और वीसी की वैल्यू दे रखी है यहां पे वीएल और वीसी और दोनों बराबर है देखिए इसने वोल्टेज के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज अगर बराबर होती तो रेजोनेंस वाली कंडीशन होती है यहां पे रेजोनेंस वाली कंडीशन होती है रेजोनेंस वाली कंडीशन पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर ही होता है ये वाली वैल्यू जीरो हो जाती है तो जेड इज इक्वल टू आर हो जाता है तो यहां पे टू कितनी 100 बाई आर हो जाएगा आर की वैल्यू है 50 तो यहां पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर भाई जेड तो आर के बराबर हो गया तो ये कितना हो गया 100 बाई 50 वो रेजिस्टेंस कितना है 50 तो यहां पे आई की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर तो 2 एम्पियर वाला ऑप्शन यहां पे सही होगा और 100 वोल्ट इसका आंसर होगा तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट बनेगा ठीक एक्चुअल में वी एल माइनस वी सी एक तो ये हो गई और दूसरी हो गई वी आर ये अब ये वाली वैल्यू जीरो है ये तो टोटल वोल्टेज आर के बराबर वी आर के बराबर यानी कि 100 वोल्ट केवल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगी इनके अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाएगी ठीक है क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन में दोनों अपोजिट फेज में तो होते ही हैं वोल्टेज बराबर हो गई इनकी तो यहां से यहां तक की वोल्टेज जीरो हो गई
यही वोल्टेज यहाँ की वोल्टेज के बराबर होगी, तो वोल्टेज 100 होगी, 100 वोल्ट होगी, करंट 2 एम्पियर होगी, 100 वोल्ट को 50 से डिवाइड करोगे तो करंट 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट विल बी, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज जीरो, क्योंकि प्योरली कैपेसिटिव है, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो पावर फैक्टर जीरो होगा, पावर डिसिपेट होगी नहीं, तो आंसर इज जीरो। नेक्स्ट देखते हैं, फेज ऑफ करंट इन एलसीआर सर्किट इज इन द फेज ऑफ पोटेंशियल लीडिंग फ्रॉम द फेज ऑफ पोटेंशियल लैगिंग बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लीडिंग फ्रॉम द फेज पोटेंशियल एंड आफ्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लैगिंग फ्रॉम द फेज ऑफ पोटेंशियल। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे? ये बोल रहा है बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या होगा, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ ओमेगा सी। ठीक है, तो आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ ओमेगा सी का स्क्वायर इज जेड। ये जेड की वैल्यू आ जाती है हमारी, आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर, ये अपनी जेड की वैल्यू आ जाती है। तो अगर सर्किट में हम करंट ओमेगा को बढ़ाएंगे तो ओमेगा अगर बहुत कम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, मान लो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाली चीज़ जीरो होगी। और हम ये डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो ओमेगा एल यहाँ पे प्लॉट करते हैं और 1/ ओमेगा सी यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो अगर ओमेगा की वैल्यू बहुत कम होगी, जीरो के आसपास होगी, ओमेगा टेंस टू जीरो, तो ओमेगा एल भी टेंस टू जीरो होगा, यानी कि ये वाली लेंथ बहुत कम होगी और 1/ ओमेगा सी बहुत ज़्यादा होगा, तो करंट आगे होगी, लीड करेगी। तो बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लीडिंग फ्रॉम द फेज ऑफ द पोटेंशियल करंट, क्योंकि इस तरफ होगी तो लीड करेगी। और अगर ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई तो ओमेगा एल बहुत ज्यादा होगा एंड ओमेगा सी 1/ ओमेगा सी टेंस टू जीरो होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू बहुत कम होगी, ये बहुत ज्यादा होगी, तो तब नीचे की साइड आ जाएगी, तब लैग करेगी, तो लैगिंग फ्रॉम द पोटेंशियल। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन यहां का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। The hot wire emitter measures AC current और DC current भी वो measure कर सकता है, दोनों measure कर सकता है, both A and B, तो D option ही यहाँ पे correct होगा। ठीक है ना, hot wire emitters या voltmeters AC के लिए बनाए जाते हैं पर वो DC को भी measure कर देते हैं। In a circuit LC and R are connected in series. In a circuit LC and R are connected in series with an alternating voltage source of frequency F. The current leads the voltage by 45 degree. यानी के LC R circuit में ये अपना Z आ रहा है. That means XC or XL. यानी के XC is greater than XL. और ये है R. ठीक, द वैल्यू ऑफ C इज 45, यानी कि एल सी आर, यानी कि R इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ C इज,
तो 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इज इक्वल टू आर. दिस इज आर प्लस ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी. तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई ओमेगा इंटू आर प्लस ओमेगा एल, आर प्लस ओमेगा एल, ये सी की वैल्यू आ गई. तो 2 पाई एफ इंटू आर प्लस 2 पाई एफ एल बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट ऑप्शन है. ठीक, अगर ये 45 का एंगल है तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होनी चाहिए. अब ये तो मान लीजिए एक्स ही है और एक्सएल इस तरफ है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ जो होगी ये होगी एक्स सी माइनस एक्स एल, यानी कि 1 बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल. तो ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा यहां से. ठीक है,